इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में 5 बजे तक 38.77% मतदान किया गया है। हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक का आंकड़ा, जहां राज्य में 38.77% मतदान किया गया है। चलिए आपको बात करते हैं दक्षिण मुंबई में, तो दक्षिण मुंबई में 44.22% मतदान किया गया है। वही दक्षिण मध्य मुंबई में शाम 5 बजे तक 38.26% मतदान किया गया। चलिए बात करते हैं नासिक की, तो नासिक में शाम 5 बजे तक 51.16% मतदान किया गया। वही दूसरी ओर पालघर में 54.32% मतदान किया गया। चलिए बात करते हैं ठाणे की, तो ठाणे में 45.38% मतदान किया गया। हम आपको बता दें महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग अभी जारी है, जहां हम आपको शाम 5 बजे तक का आंकड़ा बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में 38.77% मतदान किया गया है। चलिए बात करते हैं भिवंडी की, तो भिवंडी में शाम 5 बजे तक 48.89% वोटिंग किया गया है। वही धुले में 48.81% मतदान किया गया है लोगों द्वारा। वही चलिए बात करते हैं डिंडौरी की, तो डिंडौरी में शाम 5 बजे तक 57.06% वोटिंग हुई है। चलिए बात करते हैं कल्याण की, तो कल्याण में शाम 5 बजे तक 41.70% मतदान किया गया है। उत्तर मुंबई में शाम 5 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता दें, तो उत्तर मुंबई में 46.91% मतदान किया गया। वही उत्तर मध्य मुंबई में शाम 5 बजे तक 47.32% मतदान किया गया। चलिए बात करते हैं उत्तर पूर्व मुंबई में, जहां शाम 5 बजे तक 48.67% मतदान किया गया लोगों द्वारा। वही दक्षिण मध्य मुंबई में 48.26% मतदान हुआ है। चलिए बात करते हैं दक्षिण मुंबई में, तो दक्षिण मुंबई में शाम 5 बजे तक 44.22% मतदान किया गया है। वही नासिक में 51.16% मतदान हुआ है। दूसरी ओर पालघर में शाम 5 बजे तक 54.32% मतदान हुआ। हम आपको शाम 5 बजे तक का महाराष्ट्र का आंकड़ा बता रहे हैं, जहां राज्य में 38.77% मतदान किया गया है। महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर अभी वोटिंग जारी है, जहां शाम 5 बजे तक के आंकड़े 38.77% बताया जा रहा है।